अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में एक बार फिर पुरानी पेंशन का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने सदन में बीजेपी जेजेपी सरकार को बताया कि 2004 में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। उस वक्त नई स्कीम को कर्मचारियों के हित में बताया गया था, इसलिए राज्य सरकारों ने भी इसको अपनाया। लेकिन 2017 के बाद जब नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी रिटायर होने लगे तो एनपीएस के दुष्परिणाम सामने आने लगे। इसलिए कर्मचारियों ने नई नीति को खत्म करके फिर से ओपीएस बहाल करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों की मांग मानते हुए कांग्रेस के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की सरकार ने उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया। कांग्रेस हरियाणा की गठबंधन सरकार से यही मांग कर रही है। अगर कांग्रेस की सरकार ओपीएस लागू कर सकती है तो कर्मचारियों के हित में हरियाणा सरकार ऐसा फैसला क्यों नहीं ले रही है? पीपीपी है वो परमानेंट परेशानी झूठ मिसअंडरस्टैंडिंग की जो भी बात है, चाहे पहचान पत्र लगा लो, जो ये फेलियर्स को अपने अचीवमेंट बता रहे हैं उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। कर्जे में डूब रहा है प्रदेश, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई विजन नहीं। विजन होता राज्यपाल का अभिभाषण तो आगे क्या करने वाला, ऐसा कोई विजन आगे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा विजन दिखाई दे रहा है। तो विजन लेस और आगे अचीवमेंट लेस। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा 100 से अधिक पोर्टल खोल दिए हमने, आगे भी खोलते रहेंगे चाहे आप कितना। तो काम ये पोर्टल सरकार है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। आज बेरोजगारी नंबर एक में हमें है। पोर्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल बंद किया जाए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पोर्टल का भी इस्तेमाल करें। हर काम के लिए पोर्टल जो किसान के लिए आज परेशानी का काम है, पोर्टल का जैसे पीपीपी है वो परमानेंट परेशानी पहचान पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र है, परेशान के सिवाय और कोई नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र है। वो रोक लगा दी गई, ठीक है, क्योंकि अब इस पर कमेटी बनाई है, उसकी क्या रिपोर्ट आएगी देखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से चार फ्लोर बनने से मतलब ये पार्किंग का झगड़ा पड़ता है और पड़ता है, जो सीवरेज की लाइन है उनके ऊपर लोड पड़ता है।